दोस्तों, मैं हमेशा आप सबको एक बात हमेशा बोलता हूँ वीडियो खत्म होने के बाद कि कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी एंड बी ओरिजिनल, जैसे कि हर एक मोटिवेशनल स्पीकर आप सबको यही सजेस्ट करता है। लेकिन हम सबको ये याद रखना पड़ेगा कि हम लोग को हैप्पी रहने के लिए, हम लोग को स्माइलिंग फेस में हमेशा रहने के लिए हमारे अंदर नेगेटिविटी को एटलीस्ट आइडेंटिफाई करने का ताकत होना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हो कि तजुर्बा होना पड़ेगा, वो टैलेंट होना पड़ेगा, जिससे कि हमें पता चले कि यस दिस वन इज नेगेटिव एंड यस दिस वन इज पॉजिटिव। सो इन्हीं चीजों के बारे में आज मैं इस वीडियो में आप सबसे बात करने वाला हूं। मैंने टोटल 13 पॉइंट्स बनाया है, तो बहुत लंबा हो सकता है, तो इसलिए मैं इसको सब शॉर्ट शॉर्ट में समझा दूंगा, तो आप लोग समझ लेना। और आप लोग समझदार है और समझदारों के लिए इशारा ही काफी होता है। तो चलिए दोस्तों, ये इसी टॉपिक में आज बात करते हैं। मेरा नाम है शोविक और आप देख रहे हैं मैथ्री यूट्यूब चैनल, बने रहिए। तो पहला टॉपिक जो है वो है दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। यस, इसको मैं कैसे और समझाऊं। आप हमेशा देखना, आप किसी भी तीन चार लोगों के साथ बात कर रहे हो, तभी आपको ऐसा भी लोग मिलेंगे कि आप जो भी बोलो उसको पॉजिटिविटी के साइड में लेते हुए आपको हमेशा इसका पॉजिटिव पॉइंट्स बोलेंगे और नेगेटिव पॉइंट्स भी बोलेंगे, लेकिन आपको वो चीज करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए रोकेंगे नहीं, सिर्फ आपको बताएंगे कि यस इसमें ये प्रॉब्लम्स हो सकता है, लेकिन आप करो, बी पॉजिटिव। और एक इंसान हो सकता है कि कुछ बोलेंगे नहीं, और तीसरा इंसान है हमेशा बोलेंगे आपको कि अरे मैंने तो ये किया था, लेकिन यार इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें वो प्रॉब्लम है, मैं पेरेंट्स के वजह से नहीं कर पाया, मैं अपने फ्रेंड्स के वजह से नहीं कर पाया, मेरे साथ लक नहीं था, ऐसा मेरे अंदर एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मैं कर नहीं पाया, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा बहुत कुछ बोलेंगे। लेकिन वो कभी एक्चुअली में आप देखो ना, उसने कभी कोशिश ही नहीं किया, और कोशिश किया भी होगा तब भी उसके अंदर यही क्वेश्चंस चलता रहा होगा कि मैं जाऊं तो क्या होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, चलो छोड़ो। ऐसे होता है नेगेटिव इंसान लोग, और ये है मेरा पहला साइन जो कि हमेशा कंप्लेन करते रहते किसी न किसी चीज के बारे में। और मेरा अगला पॉइंट है कि मेरा अगला पॉइंट है दे हैव ए नेगेटिव व्यू ऑफ द वर्ल्ड। यस, मैंने पिछले पॉइंट में भी यही बोला कि हमेशा आप जो भी बोलोगे उसका कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट उन लोगों के पास रहता है। और हाँ, किसी किसी जगह में ये सही है, हमेशा हम सिर्फ पॉजिटिविटी के बारे में सोचते रहे तो हम गिर गया कहीं पे, कहीं से हम लोग गिर गए फिर भी बोलेंगे अच्छा हुआ गिर गए, ये ऐसा तो नहीं है। नेगेटिव सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक चीज में इतना नेगेटिव चीज को ढूंढते रहो कि आपको ये दुनिया ही नेगेटिव दिखने लगे। ऐसा लोग है, और मैं पहचानता हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों को। आप उनके सामने कुछ भी काम रख दो, आप उनके सामने कुछ भी बोल दो, कुछ भी बक दो, वो उनका नेगेटिव निकाल के आपके सामने पेश करेंगे ही। और ऐसे इंसान से हमें क्या करना चाहिए वो लास्ट में बताऊंगा। मेरा तीसरा पॉइंट ये है दे एक्सपेक्ट द वर्स्ट फ्रॉम लाइफ ऑलवेज। ये हम हमेशा अपने लाइफ से और दूसरों के लाइफ से भी, जो सच बोलू तो दूसरों के लाइफ से भी, उनके साथ आप बात कर रहे हो तो भी आपसे क्या वर्स्ट बात पॉइंट में रख के आपको समझा सके, उसी चक्कर में रहते हैं। और ये ऐसा करते करते ना, हर एक चीज का ये करते करते हर एक चीज का नेगेटिव साइड उन लोगों के दिमाग में रहता है, और यही वो हमेशा कोशिश करता है कि खुद भी नेगेटिविटी में जिए और आपको भी नेगेटिविटी में जीना सिखा दें, यही उन लोगों का टारगेट रहता है दोस्तों। तो हो सकता है कि इंटेंशन लेके ऐसा नहीं करता है, उन लोगों को ऐसा करते करते उन लोगों को हैबिट हो गया, तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, उन लोगों को सुधार सकते हैं नहीं, और अगर सुधर गए तो क्या बात है, लेकिन सुधार तो नहीं सकते। तो इससे अच्छा है कि हम लोग उनसे क्या करें वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो मेरा जो चौथा पॉइंट है वो है दे आर ऑलवेज विक्टिम। यस, ये हमेशा खुद को एक इतना अफेक्टेड जगह में रखते हैं। आप कुछ भी हो जाए ना, आज सोचो एक इंटरव्यू गया, उसका जॉब, उस इंटरव्यू का रिजल्ट दिया, इनको नहीं मिला, लेकिन ये नहीं मिला नॉर्मली ना लेते हुए इनको, इनके अंदर एक ऐसा रहेगा कि अरे उन लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, उन लोगों को ऐसा करना चाहिए था, उन लोगों को वैसा करना चाहिए था, ऐसे करके ना खुद को एक विक्टिम लेवल में रखता है। मैं इन डिटेल्स
समझाऊंगा मैं अगले वीडियोज में, लेकिन इन लोगों से हमें क्या करना चाहिए ये हमें लास्ट में पता लग जाएगा, मैं लास्ट में बताऊंगा। पांचवा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट जो है, दे फील इजीली इंसल्टेड। और मैं ये हमेशा देखता रहता हूँ, हमेशा एक्सपीरियंस करता रहता हूँ, और उन लोगों से मैं आजकल क्या करता हूँ ये मैं लास्ट में बताऊंगा। चलो मजाक साइड में रखते हुए सच्ची में मैं लास्ट में बताऊंगा कि इन लोगों से क्या करना चाहिए। और पॉइंट क्या था, दे फील इजीली इंसल्टेड, आप उनको बस मजाक कर दो उन लोगों के सामने, वो लोग इंसल्ट मान लेंगे, कुछ भी बोल दो, उन लोग ने कुछ पूछा उसका थोड़ा सा अलग टाइप का मतलब आंसर दे दो, उन लोगों को लगेगा कि आपने इन लोगों का इंसल्ट किया। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, उन लोगों को क्या नहीं आता, उन लोगों को नहीं आता है अपने लाइफ को हल्के फुल्के में लेना, उन लोग ने अपने लाइफ को भी ग्रांटेड मान लिया और किसी और के लाइफ को भी ग्रांटेड मान लिया, तो सब मिला के इतना ग्रांटेड मान लिया कि उन लोगों को कुछ भी थोड़ा सा उन लोगों के सोच से इधर उधर हो गया ना, तो इन लोगों को ये इंसल्ट फील होता है। तो ये ऐसा हमें नहीं करना चाहिए और ऐसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। जो जो मैं अभी तक पांचवा पॉइंट तक गया ना, ये पांच पॉइंट जिन लोगों के अंदर आप लोगों को महसूस हो रहा है, तो उन लोगों से आप लोग क्या करेंगे वो लास्ट में बताऊंगा। सिक्स्थ पॉइंट जो है वो है, दे आर नेवर अपबीट और पॉजिटिव। देखिए मैं पॉइंट बना के रखा आज क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो गलती हो जाता है तो बहुत सारा कट वट करना पड़ता है, तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है ना मैत्री एक फैमिली बन चुका है और ये बढ़ता रहेगा अभी फिलहाल, तो इसी कॉन्फिडेंस में मैंने कट उठ ज्यादा नहीं लगाते हुए मैंने ये पॉइंट्स ले लिया हाथ में, देख देख के मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने लिखा और कुछ कुछ कलेक्ट भी किया, संदीप महेश्वरी सर से भी कलेक्ट किया, तो सब मिला के ये। सो दे आर नेवर अपबीट और पॉजिटिव। अपबीट मतलब है कि कुछ भी चीजों के लिए ना वो हमेशा एक्टिव नहीं रहता है। आप हमेशा क्या मतलब हमेशा एक्टिव नहीं रहता ही, ऐसा बोलने से भी पाप होगा, हमेशा इनएक्टिव रहता है, मतलब हमेशा हर एक चीज में इन लोगों को प्रॉब्लम है। आप इन लोगों को बोलो कि चल घूमने चलते हैं, नहीं यार बिजी हूँ, चल यार डांस करते हैं, नहीं यार बिजी हूँ, चल गाना गाते हैं, नहीं यार मेरे तो वो काम है, मेरे को ये चल फोटोशूट करते, नहीं यार वो थोड़ा आज नहीं यार परसों करते, चल उधर जाते, मतलब आप कुछ भी उन लोगों को बोलो, उन लोग को ये हमेशा मतलब मैं समझा नहीं सकता एक्चुअली, लेकिन आप जिनके अंदर भी ऐसा देख रहे हो ना, एक दिन दो दिन तीन दिन आप लोग सहलो, इसके बाद समझ जाओ कि दैट पर्सन दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन नॉट बी पॉजिटिव यार। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, मेरे साथ ऐसे 7 साल से चला हुआ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने बहुत कोशिश किया कि टू मेक देम फील पॉजिटिव, बट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी। घुमा फिरा के ये लोग कभी ना कभी 7-8 साल 6 साल जो भी हो, मैं बस एग्जांपल दिया, जो भी हो ये लोग बस वैसे ही रह गए, ये लोग बस एवे बोलते हैं ना, एवे लाइफ जी रहे हैं। चलो ये लोग कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकते, तो उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए लास्ट में बताऊंगा। सेवेंथ पॉइंट जो है वो है, दे आर ए सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट कंप्लेन। मैंने ये चीज एक और पॉइंट में कवर कर चुका, हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं किसी ना किसी, मतलब इसके वजह से ये चीज नहीं हुआ, उनके वजह से ये चीज नहीं हुआ, मेरे लक नहीं था, मेरा इस चीज में एक्सपीरियंस नहीं, इसलिए नहीं कर पाया, मैं आज निकल नहीं पाया क्योंकि ये वो ब्ला 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 चलता रहता है। कॉम्प्लेन की कभी कमी नहीं, मतलब उन लोगों के फेलियर्स कभी कमी नहीं, दे आर ऑलवेज राइट। ये जो 8 नंबर पॉइंट है, ये शायद मेरे लाइफ का कोई एक टाइम में मैं भी ऐसा टाइप का बनने जा रहा था कि हमेशा ऐसा लगने लगता था कि यस आई एम द राइट, आई एम ओनली आई कैन बी द राइट पर्सन, और बाकी सब जो है वो गलत है। और अभी मैं ऐसा नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, और मैं ऐसा जो लोग करता है उन लोग से मैं क्या करता हूँ वो लास्ट में बताऊंगा। एनीवे ये लोग क्या सोचते हैं ना, ये लोग हमेशा सही होता है, आप कुछ भी पूछो हमेशा सही होता है, हमेशा इन लोगों को हर एक मैटर के बारे में इन लोगों को पता रहता है। आपने वो किया, हाँ मैंने वो किया था, पता है क्या हुआ, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ये बंदे पता है मैंने आज ये 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 बंदे के साथ मिला, अरे हाँ तू भी मिला यार, ये तो ऐसा है ऐसा ऐसा, इन्हें हमेशा सब कुछ पता रहता है, आपको कुछ नहीं पता है। और ये लोग को हमेशा अपने आप को सही साबित करने का एक हैबिट बन चुका है, और ऐसा जो लोग करते हैं समझ लो लोग नेगेटिव है, और उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए बताऊंगा लास्ट में बताऊंगा। बहुत ही सिंपल चीज है,
जो करना चाहिए और वो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ. और जो 9 नंबर पॉइंट है वो है ईगो. कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट. ये लोग काफी ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में कंफ्यूजन पैदा कर देता है. ये लोग सेल्फ रिस्पेक्ट करते करते इतना सोच लेते हैं इसके बारे में कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे एक ईगो में चेंज हो जाता है. और ईगो का फुल फॉर्म मैंने निकाला इजीली गो. ओके, सो ये जो लाइफ से आप इजीली चले जा रहे हो क्योंकि ईगो जिन लोगों के अंदर है ना वो लोग कभी टिक नहीं पाते. जो आप लोग अभी आप लोग बोल सकते हो यार सेलिब्रिटीज के अंदर बहुत ईगो है वगैरह है, बहुत बड़े बड़े इंसान के अंदर बहुत ईगो है, जी नहीं, सबके अंदर ईगो नहीं है. मैक्सिमम लोग के अंदर वो सेल्फ रेस्पेक्ट और मेन चीज है कि सोच लो, पकड़ लो कि आप लोग उन लोगों को मैसेज कर रहे हो, आप लोग को रिप्लाई नहीं मिल रहा है, यार कैसे वो लोग बिजी रहते हैं, सही में बिजी रहते हैं. सो लेकिन ऐसे भी सेलिब्रिटीज के साथ मेरा आजकल मी 3 जब एक लेवल में आया तब ऐसे कुछ लोगों के साथ बात होता है. नाम नहीं लूंगा, बहुत अच्छा अच्छा लोग, वो लोग कभी ना कभी आप मैसेज का रिप्लाई कर ही देते हैं. तो ये लोग इगोइस्टिक नहीं है, ये लोग सही में लोग बिजी है और उन लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है इसलिए रिप्लाई नहीं देता. लेकिन आप ऐसे बहुत लोग हैं जो कि ईगोइस्टिक हो जाते हैं. सेल्फ रिस्पेक्ट ओके, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो के साथ कंफ्यूज मत करो, दोनों पूरा अलग चीज है. मैं इन सब के टॉपिक पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा. स्टार्ट किया ये चैनल बस ऐसे ही नहीं, सब टॉपिक्स को मैं कवर करने वाला हूँ. और आप लोग जैसे देख रहे हो कि फैशन, लाइफस्टाइल और मोटिवेशन लेके बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं मैक्सिमम इसमें लाइफस्टाइल और मोटिवेशन ही प्रोवाइड करूंगा. फैशन तो वगैरह, मैं कैमरा मैन चाहिए मेरे को, वीडियोग्राफर चाहिए, एडिटर एक और चाहिए, अभी तो फिलहाल मैं जो कर रहा हूँ खुद ही कर रहा हूँ, तो वही वीडियोग्राफर चाहिए, तब जाके मैं फैशन का प्लेलिस्ट लाऊंगा. लेकिन तब तक एंजॉय कीजिए ये सब. मैं जो बोला अभी का पॉइंट याद रखना, इगोइस्टिक लोग अगर दिखे तो उन लोगों से क्या करना चाहिए, लास्ट में बताऊंगा. 10 नंबर पॉइंट इज रेयरली लविंग. ये लोग प्यार करना, इन लोगों को बहुत ही क्या बोलो, रेयरली इन लोगों के अंदर प्यार जगता है. इन लोगों को प्यार बांटना नहीं आता है, इन लोगों को प्यार खुद के लिए रखना आता है और सेल्फिश बोल सकते हो किसी ना किसी तरीके से, बिकॉज they doesn't know how to spread love, they doesn't know how to share love, they know how to share negativity. यार मैं उसको हमेशा कुछ नेगेटिव बोल के ही मैं उसका केयर करूंगा, ऐसा उन लोग का इंटेंशन होता है. तो सो उन लोग से थोड़ा सा यानी समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, लास्ट में बताऊंगा क्या करना चाहिए. आप लोगों को बोर कर दिया, मैं लास्ट में बताऊंगा बोल बोल के, ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं है. लेकिन अब सुनना क्या करना चाहिए, बहुत ही ईजी चीज है. अगला पॉइंट जो है वो है यूज ऑफ वर्ड बट. ये लोग मतलब नेगेटिव जो लोग होते हैं, लोग हमेशा ये बट, पर, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब वर्ड बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. आप कुछ भी उन लोगों को बोलो, यार वो मैंने ऐसा ऐसा प्लान बनाया बिजनेस प्लान, ये कैसा रहेगा, वो लोग हमेशा आएगा हाँ ये बहुत बढ़िया है सब कुछ, हाँ तुमने सही किया, बट लेकिन उसमें ये एक बार ठीक है, दो बार ठीक है, यार तू केयर कर रहा है, समझ रहा हूँ यार, समझा रहा है तू, लेकिन कब तक, हर एक चीज में अगर तू लेकिन किंतु परंतु लगेगा तो मैं भी बंदू बोल के वहां से अपना बंदोबस्त करने वाला हूँ. तो सभी ऐसा होता है ना, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, ट्राई टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ. सो हमेशा जो बट, लेकिन, किंतु, परंतु ये सब वर्ड यूज करते हैं हर एक चीजों में, उन लोगों से थोड़ा लास्ट में बताऊंगा. 12 नंबर पॉइंट हम लोग वीडियो के अंत तक आ चुके हैं. आप लोग अभी तक अगर इस वीडियो में है तो प्लीज एक बड़ा सा लाइक दबा दीजिए, यानी कि आप लोग पसंद आ रहे हैं. और नए हैं तो चैनल में क्या करना है भाई, सब्सक्राइब कर दो. मैं शुरुआत में इतना नहीं बोलता हूँ सब्सक्राइब शेयर के बारे में, बिकॉज आई नो जो लोग देख रहे हो अगर अच्छा लगे तो कहीं ना कहीं से आप लोग लाइक कर ही दोगे और शेयर कर दोगे. 12 नंबर पॉइंट है कि दे कैन सक एनर्जी फ्रॉम यू. जैसे मैं बोला था, हर एक चीज का आप उन लोगों को कुछ भी बोलो, हर एक चीज का अगर वो लोग नेगेटिव निकाले तो इससे आपका क्या नुकसान हो रहा है, आपसे ये जितना भी आपके अंदर पॉजिटिविटी है वो सब
चूस के निकल रहा है वो, और निकाल के ऐसे टर्न करके नेगेटिविटी में भर के, नेगेटिविटी के बोतल में वो पानी भर के आप लोगों को सर्व करता है, वो पीने के बाद आप लोगों को लगता है यस वही बंदा सही है या फिर वही बंदी सही है, लेकिन ऐसा नहीं है यार। उन लोगों से क्या करना चाहिए, मैं लास्ट पॉइंट बताने के बाद एक वर्ड बोलूंगा और उन्हीं में वो आंसर रहेगा, दे कैन सक एनर्जी फ्रॉम यू, याद रखना। और लास्ट पॉइंट, फाइंड, दे फाइंड नेगेटिव इन ऑल द पॉजिटिव थिंग्स। यस, ये लोग हमेशा हर एक चीज में पॉजिटिव मतलब नेगेटिव निकालने का कोशिश करेगा, अगर है भी नहीं ना, अगर आपने जैसे कि मैंने ये जैकेट पहन के रखा, सोच लीजिए हाँ ये ओरिजिनल नाइकी का मतलब है, तो समझ रहे हो ना, मैं उन लोगों के सामने जाऊंगा तो वो लोग क्या बोलेंगे यार, सबसे पहले पूछेंगे कि ये ओरिजिनल नाइकी का है क्या, अरे यार मैं मतलब नहीं होता तो नहीं होता भी क्या, कुछ नहीं यार, ये ब्रांड से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लोग के अंदर हमेशा ये रहेगा, आप कुछ भी करो पहले सबसे पहले ये लोग नेगेटिव ही ढूंढेगा, आप कुछ भी कर लो यार, कुछ भी कर लो, आप लोग इन लोगों को सुधार ही नहीं पाओगे, इससे अच्छा है कि डोंट ट्राई योर मतलब डोंट वेस्ट योर डैम एनर्जी टू चेंज देम, ट्राई टू चेंज योर सेल्फ, दैट इज एनफ फॉर अ हैप्पी लाइफ। और मैं जो आंसर हर एक, ये 13 पॉइंट बोलने के मतलब 13 पॉइंट मैंने बताया हर एक के बाद में क्या बोला, इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए, मैं क्या करना चाहिए इसका मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल एक मस्ट सा आंसर है, और ये मस्ट फॉलो वाला आंसर है, हम सबको ये फॉलो करना चाहिए ये प्रोसेस, तो हम लोग शांति से रह पाएंगे, और वो आंसर है कीप डिस्टेंस। यस, जस्ट कीप डिस्टेंस, उन लोग को डायरेक्ट इतना वो भी मत करो, इतना इग्नोर भी मत करो, इतना ज्यादा उन लोगों को गलत भी मत बोलो, आप लोग गलत मत बोलो तो आप लोग भी उन लोग जैसा बन जाएंगे, तो फिर जस्ट इन लोग से क्या करना है, धीरे धीरे डिस्टेंस मेंटेन करना है, दैट्स इट, सिंपल सा फंडा, और यू आर ए कूल बंदा और यू आर ए कूल बंदी, जो भी हो हमेशा कूल रहो, कीप स्माइलिंग, हाँ कीप स्माइलिंग, मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सबको, मैं इस वीडियो में ज्यादा नहीं, व्यूज जितना भी आए मैं इस टारगेट रखता हूँ कि प्लीज जस्ट 20 लाइक्स आ जाए इस वीडियो में, ओनली 20 लाइक्स तो भाई आप लोग बना ही सकते हो, देखते हैं आप लोग मैत्री चैनल को कितना पसंद करते हो और मुझे कितना पसंद करते हो और मेरे कंटेंट्स को आप लोग कितना पसंद करते हो। देखो आज सॉरी बोलना चाहता हूँ, वीडियो बहुत लेट आ गया बिकॉज नॉइज था मेरे आसपास बहुत, तो शूट नहीं कर पाया, इसके लिए आई एम सॉरी, बट आई प्रॉमिस मैं लगातार वीडियोज लाता रहूंगा, हर रोज एक का प्रॉमिस मैंने किया था, लेकिन हर रोज एक अगर नहीं, लेकिन दो दिन में एक वीडियो एकदम हमेशा, ठीक है दो दिन में एक वीडियो तो आएगा ही आएगा, मैं ट्राई करूंगा हर रोज एक एक वीडियो देने में, लेकिन अगर नहीं हुआ तो आप लोग पकड़ लो कि आज नहीं हो तो कल के अंदर आ ही जाएगा जो भी भाई का वीडियो। ओके, सो टिल देन, रात को देख रहे हो तो गुड नाइट, सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, शाम को देख रहे हो तो गुड इवनिंग, बीच में आफ्टरनून छूट गया जो भी हो, और जो मैं बोला नेगेटिव पीपल से डिस्टेंस मेंटेन करो यार, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी और बी